आगे। और अब बात करते हैं मूसलाधार बारिश की। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश, जगह जगह सड़कों पर भरा पानी। तो नोएडा में जलभराव से बड़ी लोगों की परेशानी, तेज बारिश से जगह जगह जाम के हालात हैं। तो देखिए तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से वाटर लॉगिंग के चलते ये गाड़ियां जो हैं, चाहे वो बस हैं, किस तरह से बीच सड़क इन पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। कुछ लोग पैदल ही चलने को मजबूर हैं, लेकिन वो भी घुटनों तक पानी से गुजरने को मजबूर हैं। तो लोग अपने जरूरी काम से, अपने दफ्तर पहुंचने के लिए, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वो निकल रहे हैं, लेकिन देखिए उससे पहले किस तरह की चुनौतियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर से ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बहुत ही वीवीआईपी लोकेशन है इस जगह पर। जब पानी की स्थिति अगर यह है कि यह पूरा समंदर बन चुकी है, आप देखिए ट्रक बीच में खड़ा हुआ है जो फंस चुका है पूरी तरीके से, उसको लोग छोड़ के जा चुके हैं। पीछे अगर आप कमोवेश स्थिति देखेंगे, पीछे लोगों ने अभी अपनी अपनी गाड़ियां निकाली हैं और गाड़ियां निकाल करके लोग अपने आपको सुरक्षित कर पाए हैं। तो तस्वीरें न्यूज नेशन पे हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने अपनी गाड़ी बचा करके अंदर से निकाली, वो भी तैरती हुई गाड़ियों को। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा खराब है इस जगह की। और जहां पर मैं खड़ा हूं, आप देखिए यहां पर अगर थोड़ा सा भी आगे आप जाएंगे, थोड़ा सा भी आगे आप जाएंगे तो आप धीरे धीरे पानी में डूबते चले जाएंगे। आप देखिए किस तरह से पानी में मैं मौजूद हूं इस समय, और इसके अंदर यानी कि इसके थोड़े से आगे जाएंगे तो आपके कमर तक ऊपर पानी चला जाएगा। तो जरा सोचिए कि ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो दावे किए जाते हैं वो कितने खोखले दावे हैं, वो साफ तौर पे जमीन पर दिखाई दे रहा है। सोचिए हफ्ते भर तक अगर बारिश इसी तरह से होती रही तो दिल्ली डूब जाएगी। ये वो इलाका है, एपी इलाका है, तो सोचिए जरा निचले इलाकों में खासतौर पर क्या होगा। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की ये तस्वीर है, किस तरह से यहां पर वाटर लॉगिंग के चलते समस्या है। संवाददाता अमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आपके पास क्या तस्वीर है, क्योंकि एक तरफ मूसलाधार बारिश है, लोगों को गर्मी से राहत, लेकिन उसी के साथ परेशानियां भी जो है वो बढ़ते हुए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछले दिनों 45 से 47 डिग्री का टोर्चर लोगों ने गर्मी का झेला और बारिश का इंतजार बेसब्री से तमाम लोग कर रहे थे, तापमान में गिरावट दर्ज होने के बाद में गर्मी से तो लोगों को राहत मिली है, लेकिन तमाम तरीके की समस्या उनके सामने जरूर आ गई है। मैं महामाया फ्लाईओवर के पास एक्सप्रेस वे पर मौजूद हूं, तस्वीरें आपको दिखाऊं तो जाम की आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहां पर इसी तरीके से सुबह से जाम लगा हुआ है, जल भराव होने के चलते ये जाम लगा है और जो गाड़ियां यहां 10 मिनट में इस दूरी को तय कर सकती थी उनको आधे घंटे से 45 मिनट का वक्त लगा है। ये देखिए प्राधिकरण के कुछ कर्मचारी हैं, पानी को निकालने की कोशिश जरूर की जा रही है। ये फिल्म सिटी फ्लाईओवर की लूप लाइन है, हर साल इसी तरीके से यहां पर जलभराव होता है। हर साल करोड़ों रुपए के टेंडर दिए जाते हैं, हर साल निर्माण किया जाता है नोएडा प्राधिकरण का, 5 से 7 करोड़ रुपए का सालाना बजट होता है। बावजूद उसके पहली बारिश की तस्वीर सारे दावों की पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है। अलग अलग इलाकों में इसी तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। चाहे नोएडा के अगर नालों की बात की जाए तो हर साल 10 करोड़ से ज्यादा का खर्चा नालों की सफाई पर इसलिए किया जाता है ताकि जल भराव ना हो, लेकिन तस्वीर सबके सामने है नोएडा के अलग अलग इलाकों में, चाहे सेक्टर 62 की बात करें। तो सवाल इसलिए उन तावों पर खड़ा हो जाता है क्योंकि पहली बारिश ने ही उन तमाम तैयारियों की पोल खोल दी है जो मानसून के दस्तक देने से पहले किए जाते हैं, चाहे वो ड्रेनेज की समस्या हो या फिर वो जाम जैसी स्थिति हो। बिल्कुल, देखिए यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, खासतौर पर प्राधिकरण के सीईओ निचले स्तर के अधिकारियों को ये दिशा निर्देश पिछले कई महीनों से दे रहे थे कि बरसात आने से पहले, मानसून से पहले जो भी टेंडर जारी किए गए नालों के उनको दुरुस्त कर लें, उस काम को पूरा कर लिया जाए। लेकिन अभी भी अगर 80% से ज्यादा काम की बात की जाए तो वो अधूरा पड़ा हुआ है। महज 10 से 20% काम जो है वो नालों की सफाई का वो पूरा हो पाया। ऐसे में नालों की सफाई करके जो मिट्टी बाहर निकाली गई थी नालों के पास, बरसात के बाद वो मिट्टी दोबारा से नालों के अंदर जा रही है और दोबारा से ऐसी स्थिति बनी हुई है, जल भराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। अभी तक किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिन्होंने अपने काम में लापरवाही बरती। हालांकि पिछले दिनों चेतावनी जरूर दी गई थी कि समय से काम पूरा कर लिया जाए, लेकिन तस्वीर अब हमारे दर्शकों के सामने जाम की तस्वीर मैं दोबारा से दिखाऊं, आप देखेंगे इसी तरीके के हालात अलग अलग इलाकों में। चाहे सेक्टर 19 के अंडरपास की बात करें, डीएनडी पर जाने वाले रोड की बात करें, 12-22 के इलाके की
की बात करें तमाम इलाकों में नोएडा एक्सटेंशन के भी हालात बहुत ज्यादा बदतर हैं और ग्रेटर नोएडा में भी अलग अलग इलाकों में इसी तरीके की और तस्वीर तस्वीर हम देख पा रहे हैं ये वो तमाम लोग हैं क्योंकि ये ऑफिस आवर्स है और ऐसे में लोग दफ्तर के लिए निकलते हैं लेकिन इस लापरवाही के चलते कहीं ना कहीं खामियाजा आम जन को ही भुगतना पड़ता है और एक तरह से देखा जाए तो घुन वाली स्थिति जनता की हो जाती है गेहूं के साथ। बिल्कुल देखिए आम लोगों को ही तमाम जो समस्या है उनसे जूझना पड़ता है। आम लोगों को कई बार प्रदर्शन भी करना पड़ता है और कई ऐसे आरडब्ल्यूए हैं कई ऐसे सेक्टर हैं जिनकी तरफ से पूर्व में शिकायत दी गई कि उनके इलाके में बरसात के दौरान जल भराव की स्थिति होती है तो नालों की जो चौड़ाई है उसको बढ़ाया जाए नालों की सफाई की जाए इस तरीके की कई शिकायतें आने के बाद तमाम काम का निरीक्षण करने के बाद टेंडर जारी किए जाते हैं। बावजूद उसके पहली बारिश में कल की बात करें तो कल भी इसी तरीके की तस्वीर सामने आई थी और आज भी इसी तरीके की तस्वीर सामने आई है। कई जगहों पर गाड़ियां बंद पड़ गई हैं खासतौर पर ऑटो चलाने वाले या टू व्हीलर चलाने वाले जो लोग हैं उन लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के बाद से हालांकि इसी तरीके के दावे जरूर हर बार किए जाते हैं प्राधिकरण की तरफ से लेकिन कई ऐसे पॉइंट हैं जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हुआ हूं यहां पर थोड़ी सी बरसात होने के बाद जल भराव हमेशा होता है। एक तस्वीर में लापरवाही की ओर दिखाऊं अपने दर्शकों को आप देखेंगे ये सामने जो कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं ये नोएडा प्राधिकरण के तमाम कर्मचारी हैं। यहां पर पंप सेट लेकर पहुंचे थे जल भराव जो हुआ था उसको निकालने के लिए पंप सेट लेकर पहुंचे थे लेकिन इनको 40 से 50 मिनट का वक्त हो गया ये पंप सेट अभी स्टार्ट ही नहीं हो पाया है। तो यानी जो तैयारियां हैं उन तैयारियों को आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम मैकेनिक भी यहां पर बुलाए गए हैं तमाम कर्मचारी यहां पर खड़े हुए आपको जरूर दिखाई दे रहे हैं लेकिन जो पंप सेट यहां पर लगाया गया था पानी निकालने के लिए वो आधे घंटे से 40 मिनट का वक्त हो गया है वो अभी शुरू नहीं हो पाया लिहाजा अब मैनुअली जो लौटेंगे आपके पास। देखिए नोएडा की तस्वीर हमारे संवाददाता दिखा रहे थे दिल्ली से आमिर भी हमारे साथ जुड़े हैं वहां पर क्या स्थिति है वो भी देखिए। दिल्ली एक तरह से थम गई है लोग निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ट्रक से लेकर के एम्बुलेंस से लेकर तमाम चीजें जो है यहाँ पर डूब चुकी है। ये दरअसल लोड जो है जाती है नेहरू प्लेस IIT और गुरुग्राम की तरफ और एम्स की तरफ। जी तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिल्ली से हम दिखा रहे हैं नोएडा टू दिल्ली आप तस्वीर देख सकते हैं कमोबेश एक ही तस्वीर नजर आ रही है लेकिन सवाल यहां पर यह है कि मॉनसून की दस्तक से पहले तमाम तैयारियों की बात कही जाती है कि स्थिति से निपटने के लिए जो है पूरी तरीके से प्रशासन ने तैयारी कर ली है लेकिन मॉनसून की पहली बारिश उन तमाम तैयारियों पर उन तमाम दावों पर सवाल खड़ा कर देती है। तो देखिए वाटर लॉगिंग हो रही है ऐसे में किस तरह से जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं जो जरूरी काम से घर से बाहर निकले हैं वो किस तरह से इन जाम की स्थिति से दो चार उनको होना पड़ रहा है किस तरह से रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है वो आप एक्सक्लूसिव तस्वीर के जरिए देख रहे हैं। तो मॉनसून आया है दावे हुए फेल ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। एक बार फिर से दिल्ली की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां आमिर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो गाड़ी डूबी जा रही है ट्रक डूबी जा रही है वाहन डूबे जा रहे हैं और लोग डूबे जा रहे हैं। तो ये दिल्ली स्मार्ट सिटी जो जिसका जिसको दर्जा देने की बात की गई और जिसको दर्जा दिया गया कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे उसका हाल दरअसल असलियत में VIP लोकेशन में ये है। तो जरा सोचिए निचले इलाकों में क्या हाल होगा। जिस तरह से मणिदीप ने बताया कि अभी अभी तो शुरुआत है एक तरह से कि आप सोचिए जरा हथनी कुंड से पानी छोड़ा जाना है आपका यमुना का उफान अभी बाकी है। तो इस तरह की तस्वीरें जब शुरुआत में यही हो गई तो जरा सोचिए जब हथनी कुंड से पानी छोड़ा जाएगा जब उधर से पानी हरियाणा से आएगा पंजाब से आएगा तमाम दूसरे इलाकों से आएगा तो जरा सोचिए ये तो अभी शुरुआत है। पूरी दिल्ली डूबती हुई नजर आएगी जिस तरह से पिछली बार हमने तस्वीरों में देखा था कि पूरी दिल्ली में कुछ यही कमोबेश हाल था। फिलहाल ये जो लोकेशन आपको दिखा रहा हूं ताकि लोग समझ जाएं कि इधर आना उनके लिए मुसीबत से खाली नहीं है ये लोकेशन दरअसल है एम्स की तरफ जो आप ITO से होते हुए एम्स की तरफ मूवमेंट करते हैं नेहरू प्लेस जाते हैं IIT जाते हैं गुरुग्राम जाते हैं या फिर एयरपोर्ट जाते हैं इस रोड पर जितना जल भराव है इसलिए लोगों से अपील ये की जाती है कि वो इधर से ना निकले आए तो जरा सोच समझ के आए क्योंकि यहां पर आपकी गाड़ियां जो हैं वो डूब सकती हैं इसलिए दूसरा रूट ले लें।
तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली में किस तरह की स्थिति है। एक बार फिर से नोएडा का रुख कर लेते हैं जहां हमारे संवाददाता अमित चौधरी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित देखिए लापरवाही तो जाहिर तौर पर है जिसका सीधा असर आम जन पर पड़ता हुआ जैसा कि हम देख रहे हैं, चाहे वो वाटर लॉगिंग की समस्या हो या फिर इसके चलते जाम जैसी स्थिति से लोगों को दो चार होना पड़ रहा हो। लेकिन अभी तो सिर्फ ये एक दो बारिश के तस्वीर जो है वो सामने आई है, मानसून अभी पूरा बाकी है, बारिश अभी और है, तो स्थिति देखिए कितनी कहीं ना कहीं विकट होती हुई दिखाई पड़ सकती है आने वाले दिनों में। बिल्कुल, देखिए जो तैयारियां हैं, जो मानसून से निपटने की तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं अधूरी हैं, काम पूरा नहीं हो पाया है, जिसके चलते पहली और दूसरी बारिश के बाद तस्वीर साफ हो गई है कि जिन तैयारियों का दावा प्राधिकरण के अधिकारी कर रहे थे नोएडा में नालों की सफाई को लेकर या पानी के निकासी को लेकर, वो दावे पूरी तरीके से फेल हैं। पिछले साल की अगर बात की जाए तो पिछले साल जब यमुना में जल छोड़ा गया था तो नोएडा के काफी ऐसे इलाके थे जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए थे और यमुना के किनारे बने हुए फार्म हाउस से लेकर तमाम इलाके पूरी तरीके से डूब गए थे। इस बारिश के बाद ये तस्वीर भी साफ हो गई है कि पिछली बार की जो बाढ़ के हालात बने थे उससे भी प्रशासन ने किसी तरीके का सबक नहीं लिया है, केवल फाइलें घूमती रही हैं, आदेश होते रहे हैं और बयान दिए जाते रहे हैं। जो ग्राउंड पर काम होना चाहिए था वो काम अगर होता तो इस तरीके की तस्वीरें सामने नहीं आती। नोएडा प्राधिकरण प्रदेश का सबसे बड़ा प्राधिकरण है, हाईटेक शहर कहा जाता है और इसका सालाना बजट की बात करें तो 5,000 से 7,000 करोड़ का सालाना बजट केवल इसलिए होता है कि शहर में डेवलपमेंट किया जाए और जो ऐसी स्थितियां खासतौर पर बारिश से बचने की या जल निकासी की, उन तमाम चीजों पर वो पैसा खर्च किया जाता है। बावजूद उसके ये तस्वीर नोएडा से सामने आना कहीं ना कहीं जिम्मेदार उन अधिकारियों पर सवाल खड़े करती है, जिन अधिकारियों का जिम्मा है शहर में साफ सफाई रखना, जल निकासी खासतौर पर या डेवलपमेंट को लेकर तमाम चीजें कही जाएं। नोएडा के एक्सप्रेसवे की अगर बात की जाए तो महामाया से चिल्ला बॉर्डर या डीएनडी जाने वाला जो रूट है ये आम दिनों में खास तौर पर जाम रहता है। इस जाम से निपटने का कोई खास अभी प्रबंध नहीं हुआ है और बरसात के दिनों की बात की जाए तो इस जाम की लंबाई और ज्यादा बढ़ जाती है। ये जाम 5 से 7 किलोमीटर लंबा हो जाता है और सुबह के वक्त जहां लोग अपने दफ्तरों के लिए निकलते हैं उन लोगों के साथ साथ यहां पर एम्बुलेंस में जाने वाले तमाम मरीजों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहां पर तस्वीर जो मैं अभी आपको दिखा रहा था दोबारा से दिखाऊंगा, देखिए जो पंप सेट लगाया गया था उसी से आप समझ सकते हैं बरसात से पहले अपनी मशीनरी तक चेक प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों द्वारा नहीं की गई है। पंप सेट 1 घंटे का वक्त मैं अमित लौटूंगी आपके पास। गाजियाबाद का भी रुक कर लेते हैं जहां संवाददाता हिमांशु भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। हिमांशु, लगातार शुक्रवार से बारिश का दौर जारी है और मानसून की पहली ही बारिश ने तमाम दावों की पोल यहां पर खोल दी है। गाजियाबाद से क्या तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि हम दिल्ली की अगर बात करें, नोएडा की बात करें तो इस मूसलाधार बारिश के चलते पूरी तरीके से पानी पानी में। देखिए बारिश का सबको बेसब्री से इंतजार था ताकि गर्मी से राहत मिले, तो गर्मी से राहत तो मिली लेकिन बारिश आफत भी बन गई है। आफत किस तरह से बनी है वो तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। गाजियाबाद से ये सीधा एनएच को कनेक्ट करता सड़क है, रोड है और यहां पर आप देखिए किस तरह से जल भराव है, किस तरह से गाड़ियां यहां पर जा रही हैं और कई टिर्री जो रिक्शा है वो यहां पर अभी तक पलट भी चुकी हैं, कई बाइक सवार यहां पर उनकी जो बाइक है वो गिर चुकी है, कई इंजर्ड यहां पर लोग हो चुके हैं और पूरी सड़क आगे तक इसी तरह से जलमग्न हो गई है। एक तरह से देखा जाए तो स्विमिंग पूल इसको कहा जा सकता है, ये पूरा बन गया है वो भी कई किलोमीटर लंबा और पीछे जाम लगा हुआ है। गाड़ियां जो हैं रेंग रेंग कर यहां पर आती हुई दिखाई दे रही हैं, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक है क्योंकि गड्ढे भी सड़क के बीच में है, तो ऐसे में डर इस बात का भी रहता है कहीं गड्ढे में टायर ना चला जाए और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त उसमें जो लोग हैं वो इंजर्ड ना हो जाए। और कई मोटरसाइकिल अभी हमने देखा यहां पर गिरी भी हैं, कई लोग गिर गए थे, एक टिर्री रिक्शा के अंदर जो सवारियां थी वो पूरी की पूरी यहां पर पलट गई थी। तो ये कुछ इंतजाम है नगर निगम के जो दावे किए गए थे और ये कहा गया था कि हर जगह व्यवस्था पूरी है, फाइलों के अंदर सारी व्यवस्था है, लेकिन सड़क पर क्या व्यवस्था है मानसून की इस बारिश ने साफ स्पष्ट कर दिया है। कल भी यही आलम था और आज जब देर रात से बारिश पड़ी, गाजियाबाद के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इसी तरह से आलम बना हुआ है, यानी कि मूसलाधार बारिश की वजह से। हिमांशु लौटेंगे आपके पास और एक बार फिर से दिल्ली का रुख करते हैं जहां पर वाहनों में फंसे लोगों से बातचीत करते संवाददाता। 2 घंटे पे गाड़ी, ये देखिए ये गाड़ी, ठीक है आप आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए ये कोशिश कर रहे हैं इसको यहां से हटाने की। ये देखिए ये लाखों की गाड़ी का
मुजरिम कौन होगा? ये देखिए वापस चली गई। तो देखिए स्थिति बेहद विकट है, किस तरह से इस वाटर लॉगिंग के चलते वाहन फंसे नजर आ रहे हैं, इन फंसे वाहनों को निकालने की कवायद भी की जा रही है और लोगों के घुटनों तक देखे पानी जो है वो यहां पर भरा नजर आ रहा है और इसी पानी से निकलने के लिए लोग मजबूर भी हैं। और एक बार फिर से हम अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, देखिए परेशानी जो है वो यहां पर देखी जा रही है, तमाम दावों की पोल भी यहां पर खुल चुकी है, लेकिन फिलहाल की जो करंट स्नैरियो देख पा रहे हैं, जो करंट स्थिति है उसको देखते हुए कोई कोशिश है? मैं अमित लौटूंगी आपके पास। गाजियाबाद से मानशु हमारे साथ है, मानशु कुछ कहना चाह रहे हैं। मानशु बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लगातार हादसे हो रहे हैं, तो वहां मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए एक ई रिक्शा जो टिर्री है वो पूरी तरह से पलट गई है और उसमें सवारियां थी वो भी नीचे गिर गई हैं। वहां आप देखूंगा, मैं विजय से कहूंगा, विजय वहां पे तस्वीरें आपको दिखाए। ये आप देखिए इस तरह से हादसे हो रहे हैं, जगह जगह गाड़ियों की वजह से जो पानी भर गया है, जलभराव हो गया है, वहां पर जो गड्ढा था वो नहीं देख पाए जलभराव की वजह से। और वहां पर अब देखिए वो लड़का इंजर्ड हो गया है, उसके पैर में चोट लग गई है और चोट लगने के बाद अब वो साइड में उतरकर बाहर लाया है। जो लोग हैं ई रिक्शा को उन्होंने खड़ा किया है और जितनी सवारियां अंदर मौजूद थी ई रिक्शा के अंदर उनको बाहर निकाला जा रहा है और उसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये आलम बन गया है गाजियाबाद का। सड़कों पर जो पॉश इलाके कहे जाते हैं, कहा जाता है कि कहीं पर गड्ढा नहीं है, गड्ढा मुक्त सड़कें रहेंगी, और उन सड़कों पर किस तरह से गड्ढे हैं ये अपने आप में बयां कर रहा है। अभी मैंने आपको पहले जैसा बताया कि यहां पर लगातार हादसे हो रहे हैं, तो ये अभी का हादसा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरा ई रिक्शा पलट गया था, महिला भी वहां पर ई रिक्शा के अंदर मौजूद थी, जो और सवारियां थी वो भी, और सभी इंजर्ड भी हुए हैं, वहां पर बैठ गए हैं। तो इस तरह से तस्वीरें यहां पर निकलकर सामने आ रही है और बाइक सवार देखिए किस तरह से तेजी से गड्ढा नीचे आता है, क्योंकि पानी भरने के बाद गड्ढे की तस्वीरें दिखाई नहीं देती है, गड्ढा दिखाई नहीं देता है। और आराम से अगर आप आते हैं तो ई रिक्शा आगे का एक ही पहिया होता है, दूसरा पहिया गड्ढे में जाता है और तुरंत पलट जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर। हिमांशु, गाजियाबाद का कौन सा ये इलाका है जहां पर ये स्थिति यहां पर देखी जा रही है? कोई अभी प्रबंध के इस तरह की जो अव्यवस्था देखी जा रही है उसकी व्यवस्था को लेकर कोई पहुंचा है अभी तक? देखिए अभी तक कोई भी नगर निगम की तरफ से या प्राधिकरण की तरफ से कोई टीम यहां पर नहीं पहुंची है। और गाजियाबाद की बात करें तो ये एनएच को जोड़ने वाला डायमंड फ्लाईओवर से जाने वाला रास्ता है, जो सीधा नेशनल हाईवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। बेहद चलता हुआ ये रोड है, आप देख सकते हैं, क्योंकि सुबह के सब वक्त जो नोएडा लोग जाते हैं इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं या दिल्ली जाते हैं, अक्सर इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हादसे वहां पर